अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज्जज नाज़रीन, नमाज तहज्जुद की नियत किस तरह करें और उसकी फजीलत क्या है और नमाज तहज्जुद कितनी रकातें हैं, इस वीडियो में इन्हीं बातों को बताया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप आखिर तक इस वीडियो को समाअत करें। तो नमाज तहज्जुद की नियत यूं करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की नफल वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नमाज तहज्जुद 2 रकातें हैं, आका अलैहिस्सलाम से 8 तक साबित है, लिहाजा कोई शख्स 2 रकात पढ़े तब भी उसे तहज्जुद अदा करने का सवाब मिलेगा, 4, 6, 8 पढ़े तब भी उसे तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसकी फजीलत यह है कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात को बेदार हो और अपने अहल को जगाए फिर दोनों 2 रकात पढ़ें तो अल्लाह तबारक व ताला उन दोनों को अल्लाह तबारक व ताला को कसरत के साथ याद करने वालों में शुमार करेगा। इससे यह पता चलता है कि जो शख्स नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं वह इंसान ऐसा हो जाता है जैसे अल्लाह तबारक व ताला को कसरत के साथ याद करता है। हजरात, यहाँ पर यह बात भी बता दूं कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना शर्त है, यानी ईशा की नमाज के बाद सोए फिर उसके बाद बेदार होकर जब नमाज पढ़ेंगे तो वह नमाज नमाज तहज्जुद कहलाएगी। कोई शख्स सोए ही नहीं और ईशा की नमाज के कुछ देर के बाद नमाज पढ़ ले तो वह नमाज नमाज तहज्जुद नहीं होगी। फिर मिलेंगे एक अलग मसले के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।